अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जा रहे खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला सबको ढेर सारी खुशियाँ दे और अपनी फैमिली में सब मुस्कुराता रखे। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो आज का व्लॉग भी ज़बरदस्त होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। मैं रूम में अभी आई हूँ, ये छोटा सा कमरा है क्योंकि ये हमारी जो भाभी का कमरा है ना, उसके साथ ही ये भी उसी का कमरा है, छोटा सा है, लेकिन उसमें ना भाभी का कुछ जेब का सामान पड़ा हुआ है ना, इसलिए फिर अब कुछ ही माह रह गए हैं न्यू बेबी आने में। तो हमने सोचा ये पहले उसका ना कमरा सेट कर दें, साफ कर दें। काफ़ी ये जाले वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ हमने ये देखिए धान गंदम वगैरह रखी हुई थी ना, इसलिए फिर इस कमरे को इस्तेमाल नहीं करते थे, ज़्यादा आते नहीं थे। तो ये छोटा सा रूम है, भाभी ने कहा कि ये सही है, इसमें सर्दी भी ज्यादा नहीं होगी। तो इसलिए पहले हमने सोचा ये ना इसका पर्दा बना लें खिड़की का। फिर आपको पता है छोटा सा बच्चा होगा ना, उसके लिए ना बहुत इंतजाम करना पड़ता है कि कहीं से भी जरा सी भी ठंड ना आए। तो इसलिए अस्सलाम वालेकुम, मैं जी ठीक हूं। कि कमरा छोड़ा जी एक बड़े देते हैं सेट कर देते हैं, ये यावा सारा जरा साफ कर देते हैं ताकि जरा ना ये इनके वजह से सर्दी घट सकेगी। मेहमान आंदे हुए थे और अपना इतने अरसे बाद इतनी बड़ी खुशी आ रही है, फिर मेहमान तो आएंगे ना, इसलिए अभी ये मैं सारे ना निकाल लेती हूँ अच्छे तरीके से, झाड़ू वगैरह देके ना। ये देखिए दीवारों पे भी काफी मिट्टी हो गई है ना, इसलिए अब मुझे दे आप ना, ऐसा करें आपसे नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कमरे की अच्छी तरीके से सफाई कर दी है, पर्दा भी लगा दिया है और कमरे को बंद करके रख दिया है। तो अब्बू जाना कुछ मटर भी लेके आए थे कि आप लोगों को पता है ना, दिन छोटे होते हैं, काम करते पता नहीं चलता, ख़त्म हो जाता है। तो अभी दोपहर का टाइम होने वाला है, अब्बू ने कहा कि थोड़ा सा ना मुझे मटरों के ना सालन बना के दें, इसलिए
कॉपी में लेना अपने केड़े ए सेट तल में हां ये 3.5 साल वो बड़े और ले ए 3.5 ही कोले मैं नीम को खा तो कना खा तो नीम को लाया बदल मैं थोड़ी नीम को असल में ना ये रस्ते की जगह है ना इसलिए बार वो आते हैं ना जो प्याले भी उठाए होते हैं ने और प्याले भी बेचते हैं गुड़ भी होता है चीनी भी होती है सब कुछ होता है नीम को भी होती है ना इसलिए बुआ तो नीम को लेके आए हैं चलो खाऊंगी मैं पहले चेक करती हूं तुम खा लो मैं ना सालन बना लूं मिर्चे बहुत है इसमें चटपटी नीम को है मिर्चे बहुत है नीम को तो ऐसी होती है ना कि इसमें रंग बिरंगी छोले भी हैं कलर किए हुए हैं तो मजेदार हो गया कलर के में माशाल्लाह से हमारा सालन तैयार हो चुका है अब्बू जान भी आ गए हैं पहले मैं अब्बू को निकाल के देती हूँ आज ये तेरी एक टाफी ते एक तेरी टाफी ये देखिए बाकी मेरी बड़ी है थोड़ी सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक थोड़ी कम की उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा अच्छे अच्छे कमेंट करना है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है रखना है दुआओं में याद एक अच्छे और प्यारे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।